धांधली नहीं गैर जानबदार एम्पायर से जीतने वाले हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का अपोजिशन को पैगाम, कहते हैं 4% ग्रोथ पर मुखालिफीन भी हैरान हैं। मुल्क तबाह हो गया कहने वाले अब हैरानों परेशान हैं। रश्कई तरजीही खसूसी इक्तसादी जोन के कमर्शियल लॉन्च की तकरीब से खिताब में कहा, मुश्किल वक्त से निकल चुके, अब बहुत अच्छा वक्त आ रहा है। महंगाई जान को आ गई, जान बचाने वाली अद्वियात 357 रुपए तक महंगी। इंसुलिन 70 रुपए इजाफे से 764 रुपए की हो गई। हेमोलिन 874 से बढ़कर 915 रुपए तक पहुंच गई। अमराज़े चश्म के लिए इस्तेमाल होने वाले आई ड्रॉप महंगे। दिमागी अमराज की दवा ट्राईऑप्टेल का पैक 357 से बढ़कर 987 रुपए का हो गया। पाकिस्तान में भारतीय कोरोना वायरस का पहला केस सामने आ गया। एक केस भारतीय और 7 केस जनूबी अफ्रीकी किस्म के रिपोर्ट हुए। वजीर सेहत सिंध अजरा पेचो को कहती हैं, कराची में जनूबी अफ्रीकी किस्म फैल रही है। बेशतर केसेस 2 साल से कम उम्र बच्चों के हैं। वालिदैन वैक्सीन लगवाएं ताकि बच्चों से वायरस न लगे। फाइजर वैक्सीन की 1 लाख खुराकें पाकिस्तान पहुंच गईं। फाइजर के महलूल और सिरिंज की खेप अगले 2 दिन में मुतवक्के। कल से 30 साल और उससे ऊपर वालों की भी वॉक इन वैक्सीनेशन होगी। वफाकी वजीर असद उमर का तमाम पाकिस्तानियों को वैक्सीन लगवाने का मशवरा। पंजाब में 7 जून से स्कूल खोलने का ऐलान। जून से पहले तमाम असातिज़ा की वैक्सीनेशन मुकम्मल कर दी जाएगी। सूबाई वजीर तालीम मुराद रास का दावा, कहते हैं तालीम का पहले ही बहुत हर्ज हो चुका। गर्मियों की छुट्टियाँ सिर्फ 2 से 3 हफ्तों की होंगी। पीटीएम के आइंदा की हिकमत अमली क्या होगी? मौलाना फजल रहमान के घर बड़ी सियासी बैठक। शहबाज शरीफ की क्यादत में नून लीग के वफ की मुलाकात। हसन इकबाल, अयाज सादिक, राना तनवीर, राना सनाउल्ला, मरीम औरंगजेब की शिरकत। पीपल्स पार्टी और एएनपी की पीटीएम में वापसी पर मुशावरत जारी। पानी बहरान पर वजीर आजम इमरान खान ने अपना वजन पंजाब के पलड़े में डाल दिया। तौंसा पंचनद नहर खोलने के हवाले से पंजाब का मौकिफ दुरुस्त। टीपी लिंक पर सिंध का एहतजाज मुस्तरद कर दिया। इमरान खान के सिंध में पानी की मॉनिटरिंग के लिए वाबडा इंस्पेक्टर तैनात करने की हिदायत। वजीर आजम की जेर सदारत इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। पानी की तकसीम पर सिंध से ज्यादती होती रही, ये सियासी नहीं मौशी मसला है। मुराद अली शाह कहते हैं, आबी मसले पर असम्बली और सिंध के अवाम मुतहद हैं। पीटीआई और एमकेएम समेत पूरी अपोजिशन ने वजीर आला सिंध की हिमायत कर दी। आबी तकसीम पर पंजाब ने सिंध के तहफ़ुज़ात मुस्तरद कर दिए। वजीर आबपाशी मोहसिन लगारी ने पानी की पैमाइश के लिए न्यूट्रल एम्पायर की तैनाती का मुतालबा कर दिया। कहते हैं सिंध की शिकायत हकायक पर मबनी नहीं। इस साल दरियाओं और डैम्स में पानी काबिल तश्वीश हद तक कम है। हुकूमत ने अगले माली साल के अहदाफ बता दिए। वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर कहते हैं, GDP की तरक्की की शरह 4.8 का हदफ है। ज़रई शोबा 3.4 और सनअती शोबे की तरक्की का हदफ 6.8% है। उम्मीद है बरामदात 26 अरब डॉलर्स होंगी। अगले साल PSTP पर 900 अरब रुपए खर्च होंगे। अब परचून वालों पर भी टैक्स लगेगा। FBR का 50,000 रिटेलर्स को टैक्स नेट में लाने का हदफ। रिटेलर्स को टेक्नोलॉजी के जरिए टैक्स नेट में लाने की हिकमत अमली तैयार कर ली गई। पॉइंट ऑफ सेल से रजिस्ट्रेशन कराने पर टैक्स रियायत की सिफारिश। शरह सूद 7% पर बरकरार रहेगी। स्टेट बैंक ने 2 माह के लिए मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। अवाम के लिए हुकूमत का एक और बड़ा इकदाम। लाहौर में 25 लाख सार्फीन से सस्ती बिजली की सहूलत वापस लेने का फैसला हो गया। 699 यूनिट तक दी जाने वाली सब्सिडी वापस ले ली जाएगी। रवा माली साल मुल्क की बरामदात में कितना इजाफा हुआ? स्टेट बैंक के अपने आदाद शुमार में तजाद सामने आ गया। आज बताया बरामदात में 14% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। 3 दिन पहले मरकजी बैंक ने रिपोर्ट दी थी कि एक्सपोर्ट में 6.5% इजाफा हुआ। रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबे की तहकीकात में पेशरफ्त। तमाम रिकॉर्ड लाहौर मुंतकिल कर दिया गया। मुतालिका अफसरों की तलबी का इम्कान। अहम शख्सियात हाउसिंग सोसाइटीज की जायदादों की तफसीलात भी तलब। एंटी करप्शन टीम 20 रोज में रिपोर्ट हुकूमत को जमा कराएगी। रिवर रावी प्रोजेक्ट में अहम पेशरफ। पहले फेज की बिडिंग मुकम्मल। सबसे ज्यादा बोली देने वाली आरिफ हबीब ग्रुप की जाविदान कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर लिया। पहला फेज 2,000 एकड़ रकबे पर मुहित होगा। जाविदान कंसोर्शियम की पब्लिक सेक्टर में मार्केट कैप वैल्यू 1,000 अरब रुपए है। हुकूमती अदम दिलचस्पी। कानूनी रुकावटें दूर होने के बावजूद लाहौर रिंग रोड सदरन लूप 3 मंसूबा 1 साल से तातुल का शिकार। लागत बढ़ना शुरू हो गई। लूप 3 अड्डा प्लॉट से बरास्ता बहरिया टाउन मुल्तान रोड तक आना था। वजीर आजम ने 1 साल पहले मंसूबे का संगे बुनियाद रखा था। आर्मी चीफ से अमरीकी नाजिमुल उमूर की मुलाकात। अफगान अमन अमल में पेशरफ्त और इलाकाई सूरत हाल पर गुफ्तगू। 2 तरफा ताबुन के हवाले से उमूर पर भी बातचीत।
अमरीकी नाजिम उलुमूर ने अफगान अमन के लिए पाकिस्तान की काविशों को सराहा। पाकिस्तान को एटमी कुवत बने 23 साल मुकम्मल हो गए। आज ही के दिन नवाज शरीफ में पाकिस्तान ने चागी में एटमी धमाके किए, दुनिया की 7वीं एटमी ताकत भी बना। मुस्लिम लीग नून आज यौम तकबीर मना रही है। शहबाज शरीफ कहते हैं नवाज शरीफ की क्यादत में मौशी रफ्तार जारी रहती तो पाकिस्तान मौशी धमाका भी कर चुका होता। पाकिस्तान ने 23 साल पहले खत्ते में ताकत का तवाजुन बराबर किया था, कम अज कम जौहरी ताकत का मुजाहरा किया। मुसल्ला फाज कौम इस ख्वाब को हकीकत बनाने वालों को सलाम पेश करती है। यौम तकबीर पर DGISPR का खसूसी पैगाम। मीडिया ट्रिब्यूनल से मुतालिक सवाल, वज़ीर इत्तला'आत फवाद चौधरी का जवाब देने से इनकार। सहाफी ने पूछा मीडिया ट्रिब्यूनल ऑर्डिनेंस में सहाफियों पर भारी जुर्मानों और सजा की तजवीज़ है, क्या आप मीडिया को कंट्रोल करने जा रहे हैं? जिस पर फवाद चौधरी बोले फलस्तीन से मुतालिक प्रेस कॉन्फ्रेंस है। सिंध असम्बली से सहाफियों के तहफ्फुज़ का कानून मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर। नासिर हुसैन शाह कहते हैं मीडिया वर्कर्स को पेशावराना उमूर की अंजामदही में तहफ्फुज़ दे दिया। मोदी हुकूमत सोशल मीडिया की आवाज़ दबाने के लिए ओछे हथकंडों पर उतर आई। ट्विटर और व्हाट्सएप से सार्फिन की खुफिया मालूमात देने का मुतालबा। ट्विटर ने हुकूमत के इकदाम को आज़ादी राय पर हमला करार दे दिया। व्हाट्सएप की नए जब्तों के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में दरख्वास्त आए। अली जफर की टिकटॉक वीडियो में बेटी अलीजा की एंट्री, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई।